Hello viewers, today we will talk about chapter number 17, Assault and Subcon by Camilla Shams. As you people know that we have started lectures on chapters Assault and Subcon, and we have almost covered 16 chapters, and today we will talk about chapter number 17. I will tell you just a story which is happened in this chapter, not will read the slide, so you can read it also. Okay, so let's start. चैप्टर 17 वहाँ से शुरू होता है जब आलिया दादी के घर पर थी और वो दादी का घर छोड़कर अपने घर जाने वाली थी और मेहर दादी ने उसे कहा कि जाओ घर और गार्डन में बैठो और गार्डन में उन परिंदों की चहचहाहट को सुनो और उन सोल्स स्पिरिट्स की रोने को महसूस कर लो, ठीक है। तो आलिया घर आ गई और अपने ग्राउंड पर लेट गई और शूज उसने उतार लिए, ठीक है, और फिंगर्स और हैंड्स को ऊपर करके अपने आर्म्स को ओपन कर लिया था कि वो फील करना चाहती थी कि जो हवा है कराची की हवा, ये मेरे वजूद के आर पार हो जाए, मैं पूरी तरह हवा को फील करूं, महसूस करूं। और वहाँ पर टावर्स थे, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स थे जिसके साथ लाइट्स लगे हुए थे जो रोशनी फैला रहे थे, और ये मुझे याद करता है कराची का, वो लोकेशन याद करता है जो मुझे बहुत पसंद है, और वही सीन जो था वो मेरे लिए एक किस्म की खुशी का सीन था, ठीक है। इसके बाद आलिया ने इमेजिनेशन शुरू कर लिया, अकबर के बारे में इमेजिनेशन शुरू कर लिया कि वो कराची आया था, उसने 1946 के रात में, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि जुलाई के रात को ही वो उसने डिसीजन लिया था कराची को आने को, और दर्द-दिल फैमिली के बारे में जब उनको दर्द-दिल फैमिली के मेंबर्स ने फनिश किया उनकी फूली के लिए, उनकी बेवकूफ़ी के लिए, फिर उसके बाद जो दर्द-दिल फैमिली के लोग थे वो मतलब ज़्यादा एक किस्म के फ्राउडी है, एक एरोगेंट पीपल थे उसी वक़्त, तो उस एरोगेंट्स की वजह से उनके लिए माली कहते हैं, पौधों की रखवाली करता है उसे माली कहते हैं। उसने मेरी अम्मी को कहा कि मैं इस प्लांट का अभी क्या करूं, तो मेरी अम्मी ने उन्हें कहा कि इस प्लांट का वैसे ही ख्याल रखो जिस तरह मरियम आपा रखती थी। तो इसी से मुझे रियलाइज्ड हुआ, मुझे पता चला कि मेरी माँ अब भी मरियम को मिस करती है, और वो जब वापस आ जाएगी मरियम तो मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी, और अगर वो मसूद के साथ वापस आई तो फिर शायद वो खुश ना हो। फिर आलिया सामिया के बारे में सोचती है कि वो कॉलेज में लंदन में पहली बार गई तो वहाँ पर आरटी सेट से, उसका मतलब सेटसम का मतलब मूवी सीन्स है, मूवी है जहाँ पर मतलब लोग देखते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने मतलब खाना भी ऑर्डर किया आसामिया ने, फिर पूरी रात वहाँ पर गुजारी मूवीज देख के, ठीक है। फिर उसने एक पोस्ट कार्ड भेजा समीर को कि तुम्हें तुर्किश मूवी याद है। आलिया बहुत किस्म के मूवीज के बारे में, तुर्किश, जर्मन एंड सो ऑन सोच रही थी मूवीज के बारे में, इमेजिनेशन में चली गई, ठीक है। इसके बाद तैमूर के बाद आ गई, तैमूर की बारे में सोच रही थी कि किस तरह खिलाफत मूवमेंट उनके फैमिली में शुरू हुआ, और ब्रिटिश बोल रही थी कि मुस्लिम्स तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ओटोमन एम्पायर की फाल को। दिन आलिया कहती है कि मेरे करीब मॉस्किटोज आ गए तो मैंने प्रोटेक्शन के लिए दुपट्टे को ओढ़ लिया, शाम का वक़्त था, सनसेट था तो मॉस्किटोज थी। फिर आलिया कहती है साल्ट वैल्यू के बारे में, हमें बता रही है इस चैप्टर में कि साल्ट की क्या वैल्यू है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको क्लास सिस्टम भी नज़र आएगा और साल्ट की वैल्यू भी, और जो ये नावल का टाइटल है साल्ट एंड सफ्रॉन, उसमें साल्ट की वैल्यू भी इस चैप्टर में आपको बताई जा रही है, ठीक है। कहती है आलिया के मसूद ने मुझे बोला एक मरतबा कि लोग किस तरह साल्ट को भूल जाते हैं जब वो रेसिपीज को चेंज कर लेते हैं, तो मैं हंसी उसी वक़्त, और मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, मसूद की बात को। तो जब एक मरतबा मेरे अब्बा खाना खा रहे थे तो उसमें जब उन्होंने एक निवाला ले लिया तो उसमें साल्ट की कमी थी, एजेंट की कमी थी, एक कंपोनेंट की कमी थी, तो उसने पूरे ही फ्लेवर ख़राब किया था डिश का, कि साल्ट एक मामूली सी चीज़ है लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू इतनी है कि पूरा का पूरा फ्लेवर ख़राब हुआ था उस डिश का, ठीक है। तो अब आलिया कहती है कि मैंने कितने साल्ट्स को लेफ्ट आउट कर लिया, छोड़ दिया है फैमिली स्टोरीज में जो भी मैंने सुनी है,
फिर कहती है कि एक्चुअली वो मसूद के बारे में बोल रही है कि जब भी मैंने स्टोरी सुनी है, मैंने जब भी मरियम के बारे में सोचा है, तो मैंने साल्ट को रिमूव किया है उससे, मतलब मैंने मसूद को रिमूव किया है। एक्टिंग किया जा रहा है साल्ट को मसूद के साथ, जो इतनी है कि अगर कोई भी रेसिपी बन जाए और उसमें साल्ट की कमी हो, ठीक है, तो वो डिश सही तरह फ्लेवर नहीं होता, ठीक है। फिर आलिया हमें सोशल स्टेटस के बारे में बता रही है कि मैं सोचने लगी कि अगर हलील को मैंने बोला साल्ट, क्योंकि वो भी साल्ट है। एक्चुअली साल्ट सोशल स्टेटस को यहाँ पर रिपर किया जा रहा है कि पुअर मिडिल क्लास के साथ मसऊद भी है, और मसऊद को सफरान बहुत पसंद था, ठीक है। और जब भी वो कहता था कि अगर हम खाने की बात करें, तो मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह पर, गॉड पर, कि कोई भी साइंस ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये बयान नहीं कर सकता, जो साल्ट का मोटिव है। अगर कोई किसी भी डिश साल्ट ना हो, तो वो डिश फ्लेवर उसका ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद एंडिंग सीन यही है कि चैप्टर यहाँ पर क्लोज हुआ, कि मुझे फील हुआ, मुझे रियलाइज्ड हुआ। आलिया कहती है कि साइलेंस का मतलब ये है कि कोई ना बोले, लेकिन क्या पता अगर सर और कर चली गई और उसने भी ऐसा कर दिया, मरियम ने भी। तो कंक्लूजन इस चैप्टर का ये है कि हमने पूरा चैप्टर आलिया के बारे में बात की, कि वो डे ड्रीमिंग कर रही है, फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच रही है, ग्राउंड पर लेट गई और स्काई की तरफ देख रही है, और ब्रीज को फील कर रही है अपने वाइड आर्म्स के साथ। सो आज के लिए इतना ही।